अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं Huawei Y7 Prime के 5 ऐसे फीचर्स के बारे में जिनको देखते ही आप लोगों को Huawei Y7 Prime जो है वो ख़रीद लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास फीचर मौजूद है वो है इस मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर आप लोगों को इस मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही कमाल का डिज़ाइन मिलने जा रहा है। बॉडी मटेरियल की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को मेटल बॉडी, मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। इसी तरह फ्रंट पैनल की जानिब आप लोगों को मिलने जा रहा है 5.5 इंच के साथ डिस्प्ले, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो होगी। और साथ ही आप लोगों को मिलने जा रहा है ये जो मोबाइल फ़ोन ये 720p के रेजोल्यूशन के साथ। दोस्तों अगर बात करता हूँ पिक्सल डेंसिटी की तो ये मोबाइल फ़ोन आप लोगों को मिलेगा 200 PPI पिक्सल डेंसिटी के साथ। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा डिज़ाइन और डिस्प्ले आप लोगों को इस मोबाइल फ़ोन की सूरत में देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं फीचर नंबर 2 की जानिब तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है इस मोबाइल फ़ोन का रियर कैमरा जो कि आप लोगों को मिलने जा रहा है ड्यूल रियर कैमरा जिसके अंदर आप लोगों को 13+2 MP के साथ ये कैमरा अवेलेबल होगा। 2.2F अपर्चर के साथ ये मोबाइल फ़ोन आप लोगों को दस्तयाब होने जा रहा है। और साथ ही साथ इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा के अंदर आप लोगों को मिलने जा रही है AI सपोर्ट। तो इस तरह से आप लोगों को काफ़ी बढ़िया कैमरा इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मिलने जा रहा है। दोस्तों इसी तरह अगर बात करता हूँ कैमरा क्वालिटी की तो कैमरा के अंदर ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा के अंदर आप लोगों को फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, उसके अलावा HDR, पैनोरामा, टच फोकस और काफ़ी सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा कैमरा आप लोगों को इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मिलने जा रहा है। हालांकि 13+2 है जो 2 MP का कैमरा होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को इस कैमरा के अंदर बोके मूड देने के लिए ही काम आता है। तो इस वजह से आप लोगों को बहुत ही कैमरा अच्छा मिलने जा रहा है। दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं फीचर नंबर 3 की जानिब तो यहाँ पे हमारे पास है मौजूद है इस मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर जो कि आप लोगों को मिलने जा रहा है स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर 1.4 GHz की स्पीड के साथ मिलेगा। और साथ ही साथ कोर्टेक्स A53 के अंदर ये प्रोसेसर आप लोगों को मिलने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे इस प्रोसेसर की खास बात यही है कि इसके अंदर आप लोगों को AI सपोर्ट दी जा रही है जो कि आप लोगों के कैमराज के साथ मिलकर काम करेगा, जिसके अंदर आप लोगों को फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही साथ आप लोगों की जो सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ है उसके अंदर इन्हेंसमेंट करने के लिए ये प्रोसेसर मदद फराहम करता है। तो इस वजह से ये जो प्रोसेसर है ये खासकर उन्हीं मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ किया जाता है जिनके अंदर आप लोगों को AI सपोर्ट दी जा रही हो। तो इस वजह से प्रोसेसर जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आप लोगों को मिलने जा रहा है जो कि गेमिंग के अंदर और मल्टीटास्किंग के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं नंबर 4 की जानिब जो कि हमारे पास आ रहा है इस मोबाइल फ़ोन का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को फास्ट चार्जिंग की सहूलत दी जा रही है जो कि मैं इस मोबाइल फ़ोन का एक मेन फीचर समझता हूँ जिसकी वजह से आप लोग इस मोबाइल फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। दोस्तों कैमरा और प्रोसेसर तो सभी मोबाइल फ़ोन के अंदर ही आप लोगों को बिल्कुल सेम मिलता है इस प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन कोई भी मोबाइल फ़ोन कंपनी आप लोगों को फास्ट चार्जिंग की सहूलत इस प्राइस रेंज के अंदर देखने को नहीं देगी। दोस्तों यहाँ पे बात करता चलूँ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की तो यहाँ पे आप लोगों को रियल में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी जा रही है क्योंकि 30 मिनट के अंदर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को 58% तक चार्ज कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आप लोगों को काफ़ी अच्छा ये फीचर देखने को मिल रहा है इस मोबाइल फ़ोन की सूरत में। तो मेरे लिहाज से ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं नंबर 5 की जानिब तो यहाँ पर आप लोगों को इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मिलने जा रही है NFC सपोर्ट। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ नोकिया मोबाइल फ़ोन की और उसके अलावा इन्फिनिक्स और अगर मैं बात करता हूँ दूसरे मोबाइल फ़ोन कंपनी की तो उनके अंदर आप लोगों को इस प्राइस रेंज के अंदर कभी भी NFC सपोर्ट नहीं दी जाएगी। NFC एक फ़ीचर होता है जिसके ज़रिए आप लोग मोबाइल पेमेंट और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इस मोबाइल फ़ोन के अंदर NFC सपोर्ट दी जा रही है दूसरे मोबाइल फ़ोन की निस्बत। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि ये जो 5 फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को ख़रीदने के लिए यही काफ़ी हैं इस मोबाइल फ़ोन को। तो इस वजह से अगर आप लोग किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर इस तरह के फ़ीचर्स देखते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर तो आप लोगों को वो मोबाइल फ़ोन जो है वो फ़ौरन ख़रीद लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने प्राइस रेंज की बात की है तो प्राइस के अंदर ये जो मोबाइल फ़ोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है 19,999 रुपये के अंदर। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इस मोबाइल फ़ोन की दूसरी स्पेसिफिकेशंस की उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है आई बटन के ऊपर, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल यानी टेक उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।